न्यूजीलैंड के चीफ ह्यूमन राइट्स कमिश्नर पॉल हंट ने न्यूजीलैंड सरकार वालों वैक्सीन ना लगवाने वाले पक्के रिहायशियों को एंट्री ना दिते जाने को सरासर गलत दस्सिया। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के सिटीजन जब बिना वैक्सीन लगवाए न्यूजीलैंड में दाखिल हो सकते हैं तो पक्के रिहायशी क्यों नहीं हो सकते। उन्हों का कहना है कि यह सरासर धक्का है अते एक नादरशाही फरमान है ते इसते अंतरराष्ट्रीय मनुखी अधिकारा तहत सवाल चुके जाने बनते ने। उन्हें कहा कि सरकार का हक बनता है कि वह मनुखी अधिकारा नू सब लई बराबर रखे। जे कोविड तो सुरक्षा करना सरकार का पहला फर्ज है तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अधिकार की रक्षा करना भी सरकार के पहले फर्जा में शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के हालातों को लेकर देश में बहुत ज़्यादा सुधार है। थानू इतने दस दीए कि इस तो पहला कोविड रिस्पोंस मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस ने दसिया कि न्यूजीलैंड के सिटीजनस न्यूजीलैंड बिल ऑफ राइट्स तहत देश में बिना किसी वैक्सीन की शर्त के दाखिल होने दिता जा रहा है। इस ते हुण मिनिस्टर्स नू सवाल पुछना बनता है कि बीते कई कई सालों तो न्यूजीलैंड रह रहे पी आर धारकों के की कोई हक नहीं बनते जिन्हां दे घर बार कारोबार सब कुछ न्यूजीलैंड विच ही ने। ब्यूरो रिपोर्ट NZ पंजाबी न्यूज़।